हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले कि अगर आप NTA NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो जनरल पेपर यानी हमारा जो NTA NET का फर्स्ट पेपर होता है उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि द टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ, यानी टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का किस एरिया में डेवलप किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी इंफॉर्मेशन थ्योरी के एरिया में टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2013 के लिए किसे दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2013 के लिए गुलजार को दिया गया। आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू, छाया चित्रों को करना आसान, क्या पूछा कि फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू, फोटोग्राफ को क्या करना आसान नहीं है। तो उसको डिकोड करना आसान, यानी जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको डिकोड करना आसान नहीं है। तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द ग्रेन्स दैट अपीयर ऑन अ टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर आल्सो रेफर्ड टू एज, टेलीविजन को चालू करने पर जो कड़ से दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उन्हें स्नो कहा जाता है। आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज, क्या पूछ रहा है कि इन सर्कुलर कम्युनिकेशन एक वृत्तिक संचार में द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज, एक वृत्तिक संचार में इनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो, क्या होता है, फीडबैक होता है। आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या पूछ रहा है कि मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में जो रुकावट आती है, व्यवधान या रुकावट आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं, ठीक। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है वो सब ICT से रिलेटेड था, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। इसमें फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड द लास्ट ऑप्शन नरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन सी है, डिमॉन्स्ट्रेशन, निरूपण यानी प्रेजेंटेशन के जरिए, डिमॉन्स्ट्रेट के जरिए जब आप टीचिंग कराते हैं तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करके, ठीक है। तो इसमें आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, निरूपण डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया जो होती है ये एक तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह की विकृति होती है, डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है, मेंटल डिसऑर्डर से, बिहेवियरल डिसऑर्डर से, रीडिंग डिसऑर्डर से या राइटिंग डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये पठन विकृति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज़ बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू, क्या पूछ रहा है कि द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज
हैज बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया। तुम ऑप्शन डी जो है कि इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसको ये काम सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, क्या होता है, क्या पूछ रहा है कि कक्षा के संचार को सामान्यता समझा जाता है कि ये होगा किस तरह का होगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, कक्षा के जो संचार होते हैं सामान्यता समझा जाता है कि ये होगा किस तरह का इफेक्टिव भावात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि जो आप टीचिंग करा रहे हैं उस टीचिंग की वजह से जो स्टूडेंट हैं वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है, कैसे पता चलेगा। तो उसका कुछ साइन होता है उस जिसे हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चे जो हैं सीखने के लिए क्या हैं, प्रेरित हैं, क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, क्या है, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है कि मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम अटेंडेंस हो तो आपकी जो टीचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अटेंडेंस शॉर्टेज के डर की वजह से भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में पूर्ण शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, कभी कभी टीचर के भय की वजह से भी क्लास में शांति होती है। हाँ, एक बहुत बड़ा संकेत है, साइन है कि अगर आपकी टीचिंग जो है टीचिंग स्टाइल काफ़ी इफेक्टिव है तो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, तो ज़रूरी नहीं है कि शांति सिर्फ इफेक्टिव टीचिंग या मोटिवेटेड टीचिंग की वजह से ही हो। कक्षा में पूर्ण शांति का होना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी अपनी कापियों में नोट्स ले रहे हों, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, ये भी ज़रूरी नहीं कि ये मोटिवेटेड टीचिंग ही हो। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, अगर आपकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो सीखने के लिए ललचाते हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, सीखने के लिए प्रेरित हैं, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के होते हैं कि जिसे आप कभी कॉमन सेंस का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी समझ का यूज़ करना है यहाँ पे। और हाँ, कुछ थियरीज हैं उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो है कि इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, क्या पूछ रहा है कि इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, कहाँ पे होती हैं। यहाँ पे पूछ रहा है परिशिष्ट में द अपेंडिक्स ए सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर, द टेक्स्ट इट्सेल्फ, तो मूल पाठ में ही होती हैं, तो इसमें जो है द टेक्स्ट इट्सेल्फ, आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थीसिस स्टेटमेंट इज, शोध प्रबंध कथन है, क्या है, एन एजर्शन, एक दृढ़ कथन है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक दृढ़ शोध प्रबंध यानी ए थीसिस स्टेटमेंट इज, जो शोध कथन होता है वो किस तरह का होता है, एंड एसर्शन होता है, दृढ़ कथन होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज, क्या पूछ रहा है कि द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज। मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में ये समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है, तो इसमें जो है विवेचनात्मक चिंतन फलक है, जो इंटरप्रेटिव पैराडाइम है यानी विवेचनात्मक चिंतन फलक उसमें ही की जाती है। ठीक है, इंटरप्रेटिव पैराडाइम, विवेचनात्मक चिंतन फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है, क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा है रिसर्च मेथड में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में है कि सिंपल, रैंडम, पर्पस या सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड। तो मैं आपको बता दूँ जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वो पर्पसिव होती है। ठीक है, इसमें जो सिंपल रैंडम है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, ये सब भी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी, तो स्ट्रेटिफाइड जो होता है, एक होता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेमी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो पर्पसिव ही है, ये स्वउद्देशी है, बाकी ये जो स्ट्रेटिफाइड है ये सेमी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही होता है जिसमें लगातार फीडबैक मिलता रहता है कि लर्निंग प्रोग्रेस के बारे में एक फीडबैक मिलता रहता है, जानकारी प्रोवाइड की जाती है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, क्या पूछ रहा है कि द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है, तो कौन सी है, एक्शन रिसर्च है। ठीक है, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम, तो क्या पूछे कि निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक यानी पैराडाइम की अवधारणा को स्थापित किया, तो थॉमस कुहन जो हैं उन्होंने पैराडाइम के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया। ओके, किसके साथ जाएंगे, थॉमस कुहन के साथ, थॉमस कुहन ही हैं जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम को क्या क्या प्रोपाउंड किया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।